चलिए अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं और अगली बड़ी खबर एक बार फिर से देहरादून से ही आपको बता देते हैं, उत्तराखंड से ही आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री से राज्य सरकार अनुरोध करेगी। किस बात का अनुरोध होगा? जमरानी बांध के शिलान्यास का अनुरोध किया जाएगा। जल्द ही बांध निर्माण के लिए टेंडर भी जारी होंगे। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है, लेकिन फिलहाल टेंडर जारी नहीं हुए हैं, तो तेजी नहीं आएगी इस काम में। जो उससे पहले हम बात कर रहे थे कि काम में तेजी कैसे आए जब तक उस चीज को शुरू ही ना किया जाए। बस डूब में आने वाले परिवारों को विस्थापित करना होगा। ये आप जानते हैं कि जब भी किसी डैम का निर्माण होता है तो उस डैम के बाद कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन प्रभावित होगा, उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और नया नहीं है ये, तमाम राज्यों में यही होता है कि जब डैम निर्माण होता है कुछ जगहों को खाली कराना पड़ता है ताकि वहां भर रहे पानी की वजह से या फिर बारिश के समय पर जब डैम के गेट बंद होंगे तो कई एक एरिया निर्धारित किया जाता है कि वहां तक पानी पहुंच गया, ठीक है, उससे ज्यादा जाएगा तो गेट खोल दिए जाएंगे। तो कुछ ये प्रोसेस ही होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब जो है जमरानी बांध के शिलान्यास की बात कही जा रही है। जमरानी बांध परियोजना को लेकर केंद्र से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब इसका शिलान्यास हो जाए तो टेंडर भी जारी हो जाए। और भी समझ लेते हैं, सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जमरानी बांध क्या बताएंगे? देखिए, इसको लेकर के काफी लंबे समय से क्षेत्रीय लोगों के स्तर से मांग की जा रही थी और केंद्र सरकार ने अब इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे बांध के बनने से न सिर्फ विद्युत के उत्पादन में उत्तराखंड और अन्य राज्यों को फायदा होगा, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी कुछ रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ जो सिंचाई के पेयजल की जो दिक्कत है उसका भी समाधान होगा। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें सिंचाई के जल की आपूर्ति हो सकेगी और जो विद्युत उत्पादन है वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। बड़ी परियोजना है, केंद्र ने अब इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका जो है इसके कार्य का शिलान्यास होगा और टेंडर प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा और जो विस्थापन का कार्य है इस क्षेत्र के लोगों का उसको भी तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का दौरा किया था, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के कई क्षेत्रों में प्रधानमंत्री भ्रमण पर आए थे और उस दौरान अभी मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध किया था। अब एक बार फिर से ये बात हो रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से इस बात का अनुरोध करेंगे कि जो इसके कार्यों का शिलान्यास होना है जमरानी बांध संबंधित उसको प्रधानमंत्री करें। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री इसके लिए कब तक और कौन सा समय के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है, विद्युत उत्पादन से जुड़ा हुआ है और स्थापन के साथ साथ जो है दूसरे प्रांतों को सिंचाई के पानी उपलब्ध कराने से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो सिंचाई के लिए भी और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी बहुत ही अहम ये प्रोजेक्ट, और इसीलिए क्षेत्रीय लोगों की तरफ से बार बार डिमांड्स भी की जा रही थी। लेकिन अब देखते हैं कि कब तक इसका शिलान्यास होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सुनो कि 5 राज्यों में भी चुनाव हैं तो जगह जगह पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो ये कब तक मुमकिन हो पाता है? बरात लौटूंगी आपके पास अगली खबर पर, आपसे बात करते हैं।